नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास टॉपिक पे जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी के लिए मैंने एक खास गेस्ट को आमंत्रित किया है। ये वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो भी मेरे वीडियोस देखते आपको पसंद हो तो नीचे कमेंट्स में आपका जवाब या कुछ भी क्वेरीज वगैरह है तो वो जरूर कमेंट में डालिएगा। और अभी से हर एक वीडियोस का जो भी कमेंट्स रहते हैं उसमें से कोई भी दो रैंडम कमेंट्स को मेरी टीम सिलेक्ट करेगी और उनको डायरेक्टली का फ्री कंसल्टेशन का मौका दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि फ्री में मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन करें और आपको डायबिटीज के बारे में कुछ भी सवाल वगैरह रहे तो कमेंट जरूर की। धन्यवाद। आज हमारे साथ है डॉक्टर अंकिता पाटिल मैडम, जो कि कैटरैक्ट और आई सर्जन है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक्स आपने ज्वाइन किया हमारे साथ और मेरे व्यूअर्स को आपसे काफी जानकारी मिलेंगी। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि आंखों से जुड़ी हुई समस्या क्या है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक मैडम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैडम जो है उन्होंने अपना MBBS JJ हॉस्पिटल से किया हुआ है, इसके साथ ही उन्होंने MS ऑप्थेल्मोलॉजी सायन हॉस्पिटल से किया हुआ है। मैडम ने DNB भी किया हुआ है साथ में और FICO लंदन से FICRS फेलो इन फेलोशिप इन कॉर्नियल एंड रिफ्रेक्टिव सर्जरी वो भी किया हुआ है। MRCS एडिनबर्ग से किया हुआ है और मैडम ने 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल कैटरेक्ट ऑपरेशंस भी किए हुए। काफी एक्सपीरियंस है मैडम को इस फील्ड में कि आज के हमारे टॉपिक के बारे में मैडम हमें अच्छे से मार्गदर्शन कर सकती है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि आंखों से जुड़ी हुई समस्या क्या है। और आपको अगर समझ लीजिए इसके बारे में मैडम से कुछ कंसल्ट करना हो वगैरह तो मैडम का मुंबई ऑर्थो एंड आई क्लिनिक करके DN नगर अंधेरी में क्लिनिक भी है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा तो वहां से आप मैडम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि आंखों से जुड़ी हुई समस्या। अभी डायबिटीज पेशेंट्स में आंखों के बहुत सारी चीजें होती है कि जो अफेक्ट करती है, जैसे काफी सारी चीजें। तो आप मैडम इसके लिए आप हमको कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं कि क्या क्या समस्या बेसिकली होती है, डायबिटीज पेशेंट ने क्या देखना चाहिए? तो डायबिटीज आंखों के हर हर स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम आगे से शुरुआत करें तो जो डायबिटीज लोग हैं उनके आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जैसे कि रिकरेंस ट्राई ब्लेफराइटिस, जैसे कि पलक के ऊपर एक बॉइल आना या पलकों के इन्फेक्शन होना, या सेकंड है कैटरैक या मोतीबिंदु। डायबिटीज लोगों में मोतीबिंदु जो उम्र में होता है कैटरैक उसके थोड़े से जल्दी हो जाता है और इनका ये जो कैटरैक है ये इसका प्रोग्रेशन भी थोड़ा फास्टर होता है। थर्ड डिजीज है ग्लोकोमा या जिन्हें हम काच बिंदु बोलते हैं। तो डायबिटीज में एक अनकंट्रोल ग्लोकोमा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जिससे आपकी रोशनी भी जा सकती है। चौथा वाला है ड्राई आई या आंखों में सूखापन होना। पांचवा और सबसे महत्व जो डायबिटीज जो स्ट्रक्चर को ज्यादा अफेक्ट करता है जो है रेटाइना या पीछे का पर्दा, इसे अफेक्ट जब करता है तो आप डायबिटीज में इसे डिजीज को बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और मैडम मेजोरिटी आई थिंक यही मेन कॉज है डायबिटीज पेशेंट में आंखों का रोशनी जाने का। जी जी, तो हमारे अभी जैसे आपने बोला कि रेटिनोपैथी बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है डायबिटीज ट्रीटमेंट में भी और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उनमें भी। जैसे जैसे जो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे पाँव में नसों में झुनझुनाना, किडनी डैमेज होना और ये रेटिना, ये जो चीजें है ये मैम डेवलप होने में लगभग कितना समय लगता है डायबिटीज पेशेंट्स में, और अगर इनको कितना समय लगता है, और मतलब ऐसा कुछ चीज है कि मेरे पेशेंट्स जो है ये दो देख रहे हैं उनको फंडोस्कोपी करने के पहले ही पता चल जाए कि ये डैमेज है या ये सिम्टम्स है, कि कोई साइंस या सिम्टम्स ऐसे है कि जो एक नॉर्मल आदमी को फंडोस्कोपी किए बिना भी पहले ही पता चल जाए कि रेटिनल डैमेज कुछ चीजें हो रही है करके? जी, जैसे कि हम जांच करके तो हमें पता चली जाएगा। तो अगर आप ये सारे सिम्टम्स या आपको ये सारी चीजें आपको में महसूस हो रही है तो आपको आपके आपके डॉक्टर के पास जाना ज्यादा जरूरी है। पहला सिम्टम्स है फ्लोटर्स या ऐसे छोटे छोटे काले धब्बे दिखना आंखों के सामने। सेकंड है आपकी नजर कम ज्यादा हमेशा होती रहती है जिसे हम फ्लक्चुएटिंग विजन बोलते हैं। थर्ड है विजन लॉस, आइदर आपका विजन धीरे धीरे कम हो रहा है या एकदम से अचानक से आपका विजन ही ड्रॉप हो गया, मतलब आपको अचानक से ही
सडनली बहुत ज्यादा कम दिखने लग गया है। चौथा है कि आपके आंख के सामने एक बहुत बड़ा सा काला धब्बा दिख रहा है, मतलब एक सेंटर विजन में काला सा दाग है। इसे हम चित्र के हिसाब से आपको बताया गया है ताकि आप समझे कि आपको क्या दिख रहा है। अगर आपने ये कोई भी इससे ऐसे सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना, अर्जेंटली दिखाना जरूरी है। थैंक यू मैडम कि आपने बोला। मेरे जो व्यूअर्स हैं तो ये जो हम लोग फोटो स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसको पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिख रहा होगा तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपके डॉक्टर को दिखाने का टाइम आ गया है। अभी बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं, पूछते हैं कि पूरा दिन भर काम करेंगे तो स्ट्रेस रहता है वगैरह, आंखों में जलन वगैरह होती है, तो रोज वाटर गुलाब जल का रूमाल रखना वगैरह कितना सेफ है आंखों पे डायबिटीज पेशेंट्स के लिए? डायबिटीज हो या कोई और भी, इन जनरल भी रोज वाटर का रूमाल रखना या किसी भी प्रकार का ऐसे रोज वाटर आंखों में डालना या कोई भी जल जो मेडिकली एडवाइज नहीं है वो डालना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इनका जो भी है स्टराइल कंटेंट हमें पता नहीं है कितना जर्म फ्री है। तो इसमें अगर आप डाल रहे हो या अचानक से आप में कुछ चला गया उससे आप में इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो प्रेफरेबली ये नहीं डालिए, क्योंकि ये कोई आपको ऐसे कुछ नहीं है कि ये कुछ मदद करेगा या आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी कम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्यूमेंटेड। मैम और एक चीज थी कि अभी आपने जैसे बोला कि ये सारे सिम्टम्स है रेटिनो के, तो बेसिकली पेशेंट में रिस्क फैक्टर क्या है, किनको किनको ज्यादा चांसेस है कि ये आंखों का रेटिनोपैथी या पर्दा डैमेज होने के चांसेस किसमें ज्यादा रहते, क्या रिस्क फैक्टर्स है इसके? अभी ये डायबिटीज में भी किस डायबिटिक पेशेंट में इसके रिस्क बहुत ज्यादा है जिनको रेटिनोपैथी हो सकते हैं। अगर आपका डायबिटीज कभी कंट्रोल ही नहीं है, जिसे हम अनकंट्रोल डायबिटीज बोलते हैं, उनमें ये ज्यादा चांसेस है कि उन्हें रेटिनोपैथी होने के ज्यादा चांसेस है। अगर आपको डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन है या कोई किडनी की बीमारी है जैसे क्रॉनिक रीनल डिसऑर्डर है तो आपको रेटिनोपैथी होने के ज्यादा चांसेस है, या आपका डायबिटीज बहुत सालों से है जैसे कि 10 साल के ऊपर है, या आपका उम्र 45 या 50 के एज के ऊपर है, या आप जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं जो प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली डायबिटीज होता है, उसमें भी रेटिनोपैथी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जी जी, और मैंने 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 सुना है मैम प्रेगनेंसी में ये रेटिनोपैथी वर्सन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं स्पेशली। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, मतलब आपको सिर्फ डायबिटीज प्रेगनेंसी में ही डिटेक्ट हुआ गया है, तो आपको स्पेसिफिकली जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है, मतलब आखिरी के जो 3 महीने होते हैं, उसमें हर महीने में आपका तपास करना, मतलब ड्रॉप डाल के पूरा पीछे का पर्दा एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। ओके मैम, अभी आपने बताया कि रिस्क फैक्टर कैसे, और मुझे हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट होती है तो एक तो मेन रूटीन एग्जामिनेशन फंडोस्कोपी करना ही रहता है, हर एक डायबिटीज पेशेंट को ईयरली एक बार तो आई चेकअप होना ही चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। अगर उसमें समझ लीजिए डायबिटिक रेटिनोपैथी निकलती है, समझ लीजिए अर्ली स्टेज रहेगा, नॉन प्रोलिफरेटिव रहेगी या फिर प्रोलिफरेटिव या मैक्यूला इन्वॉल्व रहेगा कि जिससे ब्लर विजन वगैरह आ रहा है उनको, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग आप कैसे करते हो और क्या ट्रीटमेंट्स रहते हैं, हमको एक मतलब रफ आइडिया आप बता दीजिएगा पेशेंट्स को कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसका। तो सबसे जरूरी है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो जैसे आपको डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो वो टाइप 1 हो टाइप 2, मतलब आपको इंसुलिन डिपेंडेंट हो या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हो, आपको एक बार तो आपका चेकअप करना जरूरी है। उससे हम आपको बोलेंगे साल में कितनी बार आना है, उसके साथ साथ आपका डिटेक्शन होगा। अगर आप एकदम अर्ली स्टेज में है, जैसे हम माइल्ड स्टेज बोलते हैं, उस स्टेज में अगर आपका हमने डिटेक्ट किया गया है तो उसे सिर्फ हम प्रिवेंशन रोक सकते हैं, मतलब उसको प्रोग्रेस करने के लिए रोकने के लिए आपको सिर्फ बेसिकली आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है। अगर आपने सिर्फ आपका ब्लड शुगर इस स्टेज पे कंट्रोल में रखा तो ये रेटिनोपैथी बहुत कम चांसेस है कि आगे जाके प्रोग्रेस होके सीवियर या पॉलीफरेटिव रेटिनोपैथी बन सकती है। पर अगर ये सीवियर नॉन पॉलीफरेटिव या पॉलीफरेटिव रेटिनोपैथी तक पहुंच गई तो इसमें लेजर या एंटी वेजफ इंजेक्शन, या कभी कभी जब अगर रक्त ही पूरा जम गया है या फिर पीछे का पर्दा सिकुड़ के एक तरफ खींच गया है, जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं, अगर ये सब चीजें हो गई तो सर्जरी ही लगती है। और ये सब जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं इलाज किया गया तो परमानेंट विजन लॉस होने के बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। डायबिटीज पेशेंट में जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है उनमें आमतौर पर इन्फेक्शन भी काफी इजीली पकड़ लेते हैं, और ऐसे टाइम पे जो हम लोग अभी मराठी में रांझणी बोलते हैं उसको, जो आंखों के इधर पस बनता है,
जैसे अभी मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पर स्टाइल जो है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और उसको अवॉइड कैसे करें, क्योंकि ये मैं देखता हूँ कि डायबिटीज पेशेंट में बहुत कॉमनली पाया जाता है, इधर उधर का हाथ लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है एंड उनको बहुत कॉमनली पाया जाता है, तो ऐसे इसमें क्या ट्रीटमेंट करें या आप कुछ उसको उसके लिए कुछ एडवाइस कर सकते हैं? ठीक है, अभी ये स्टाई जो है जनरली हॉट फोमेंटेशन मतलब गर्म इससे सेक करने पे ये चला जाएगा। ये कैसे होता है स्टाई, अगर आपका कोई भी जो ओपनिंग होती है ग्लैंड की वो कोई बैक्टीरिया के कारण ब्लॉक हो जाती है, तो जो आपकी सिक्रीशन है वो एक जगह कलेक्ट होके हार्डन हो जाते हैं, इसलिए एक थोड़ा सा एक फोड़ी जैसा आ जाता है। तो हमें इसे सिर्फ घर बैठे अगर आपने सेक दिया इसे अच्छे से गर्म, इससे आइदर आप सूखा कपड़ा लो तवे पे रखो देखो कितना गर्म है और सेक दो, या फिर पानी उबालो कपड़ा डालो पिलो और सेक दो, किसी भी प्रकार से आपको सेक देना है इसे। सेक ऐसे दिन में एटलीस्ट 6 से 7 बार दोगे आप तो वो जो जम गया है पस जैसा जो बन गया है वो एक्चुअली मेल्ट होते लिक्विफाई होके वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो एक बेसिक सा सेक भी इसमें काम कर सकता है। दूसरी एक बात है, अगर आप देख रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा पलकों पे इन्फेक्शन हो रहे हैं आसपास और आप मतलब हर बार जा रहे हो डॉक्टर के पास, तो एक है एक लिड हाइजीन आप फॉलो कर सकते हो, मतलब पलक की स्वच्छता कैसे रख सकते हो। तो एक बेसिक आप चीज ले सकते हो, एक जॉनसन बेबी शैम्पू आता है जो मार्केट में मिलता है, जो बच्चों के आंख में गया नहीं कुछ इफेक्ट करता, तो आपको छोटा सा वो शैम्पू लेना है अपने हाथ पे लेके उसको लिटरली जैसे हम बाल क्लीन करते हैं वैसे ही अपने आई लैशेस या आंखों के पलकों को क्लीन करना है। तो ऐसे आप दिन में 2 बार कर सकते हो जब भी आप फेस वॉश करोगे, इससे आपकी लिड की हाइजीन हमेशा मेंटेन रहेगी और जो भी है बाहर के बैक्टीरिया आपके पलकों पे आके आपको इन्फेक्शन करने से हमेशा बचाएंगे। कैटरेक्ट तो एज सच डायबिटीज वालों में बहुत जल्दी भी पाया जाता है और काफी सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मतलब विदाउट शुगर कंट्रोल कैटरेक्ट ऑपरेट करने के लिए भी दिक्कत होती है कि उनको एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगता है एंड इवन से उससे पहले शुगर कंट्रोल रखना भी जरूरी है क्योंकि अदरवाइज इन्फेक्शन होने का या पस एब्सेस होने के वगैरह भी चांसेस रहते हैं। ये मेरे कुछ पेशेंट सवाल भी पूछते हैं कि कैटरेक्ट के टाइम में डायबिटीज वालों के लिए कौन सा लेंस अच्छा है, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे मैम कि डायबिटीज पेशेंट रहेगा तो क्या नॉर्मल आदमी को जो कैटरेक्ट के लेंस डालते हैं वही है या डायबिटीज पेशेंट के लिए कोई स्पेसिफिक लेंस आते हैं कैटरेक्ट के, या उन्होंने कौन सा अच्छा लेंस है अगर लेना भी होगा तो? ये मतलब ये सवाल तो हर एक डायबिटीज पेशेंट को रखे, ये सवाल मेरे पास भी हर पेशेंट को चाहिए कि इसको बेस्ट लेंस चाहिए। तो जैसे कि जो मल्टीफोकल होते हैं या ट्राईफोकल होते हैं, मल्टीफोकल और ट्राईफोकल वो लेंसेस है जो पूरा चश्मा निकाल देते हैं, पास का दूर का जो निकालते हैं वो मल्टीफोकल है। ट्राईफोकल मतलब जो पास का इंटरमिटेंट और नियर तीनों निकाल देंगे, मतलब जिसे हम कंप्यूटर विजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो ये ऐसे प्रीमियम IOLs है, अगर आपको पॉलीफरेटिव या बहुत सीवियर रेटिनोपैथी है तो हम जनरली रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये जो क्वालिटी ऑफ विजन जो देंगे ये लेंसेस वो जो रेटिनोपैथी के पेशेंट्स में इतनी एक्सपीरियंस नहीं कर पा सकते। तो इनमें बेसिक मोनोफोकल लेंसेस जो होते हैं जिसमें एक्चुअली यूवी प्रोटेक्टिव लेज होते हैं, एक ब्लू फिल्टर्स भी होते हैं, तो वैसे करके हमारे पास लेंसेस होते हैं जो उनमें रेकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि ये पेशेंट में आगे चल के भी लेजर या कोई प्रकार की सर्जरी हो तो एक बेसिक मोनोफोकल लेंस भी इनमें अच्छे से काम कर सकता है, जो सिर्फ दूर की दृष्टि निकालेगा पर पास के लिए आपको चश्मा लग सकता है। फिलहाल हमने इस पर शॉर्ट डिस्कशन रखा था तो अभी मेरा समय भी थोड़ा समाप्त होने है, तो जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप मैम? जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे सेकंड लाइक ऐसे देखा जाए तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज हो गई है वर्ल्ड में ब्लाइंडनेस के लिए। तो मेरे हिसाब से जितनी जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे और उसे आगे बढ़ने से प्रिवेंट करेंगे वो ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारे लिए स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि आप जैसे आपको डायबिटीज डायग्नोस होता है तो एक बार तो आप आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार आपका फुल डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन करना कंपलसरी है, और उसके बाद आपको ये ईयरली चेकअप तो रखना ही है। सेकेंड है आपको आपका डायबिटीज स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आपका डायबिटीज ही कंट्रोल होगा तो रेटिनोपैथी के होने के चांसेस एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक जो एक पॉइंट मैं यूजर्स को मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एक लीगसी इफेक्ट करके ये चीज रहती है कि जो अर्ली कंट्रोल डायबिटीज का शुगर का अच्छा कंट्रोल लगता है, जो भी न्यूली डायग्नोस पेशेंट्स है पहले 5 साल अगर शुगर अच्छा कंट्रोल लगते हैं HbA1c less than 7%
तो उनको ऑलमोस्ट 95% तक ये कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं उनके फ्यूचर लाइफ में, इवन दो मेडिसिन वो बंद करेंगे तो भी। ये यूकीपीडीएस एंड डीसीसी ट्रायल्स ने प्रूव किया है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर आप अच्छा शुगर कंट्रोल रखते हो तो आपको रेटिनोपैथी नहीं बाकी के भी सारे माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी काफी हद तक कम होते हैं, एंड इवन मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट अटैक स्ट्रोक वगैरह ये सब भी कम होते हैं काफी सारे। तो एक है डायबिटिक डाइट को फॉलो करना स्ट्रिक्टली, अगर आप स्मोकर हो तो स्मोकिंग क्विट करना है, ये भी रेटिनोपैथी के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। एक रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप ओबेज हो या थोड़ा एक्सेसिव वेट है तो वेट लॉस करना, ये एक्चुअली हेल्प करेगा आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में भी और एक रेटिनोपैथी को प्रिवेंट करने में भी। और दूसरा है, अगर आपको सूखापन लग रहा है आंखों में बिकॉज ऑफ डायबिटीज, जैसे कि आपको आंख बीच बीच में लाल होना या थोड़ा कचरे जैसा लगना या जल जल करना आंख, तो इसे हम सूखापन बोलते हैं। अगर बहुत सीवियर नहीं है, थोड़ा सा ही मामूली आपको तकलीफ दे रहा है, तो इसे आप आपके घर के उपाय से भी कम कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर हाइड्रेशन रखना जरूरी है। आपको अगर आप बहुत एक्सेसिव कंप्यूटर यूजर है या मोबाइल ज्यादा यूज करते हो तो वॉलंटरली ब्लिंक करो। ब्लिंक करने पे अपना जो टियर फिल्म है वो प्रॉपरली रेगुलरली ऑक्युलर सर्फेस पे कवर करके थोड़ा ड्राइनेस कम कर देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की, जिसमें ब्लड फूड सोर्सेस में जो है, जैसे कि वॉलनट्स हो या किसी प्रकार के नट्स हो या फिश ऑयल प्रोडक्ट्स हो, वैसे प्रोडक्ट्स खा के आप ओमेगा 3 का अगर सेवन करेंगे तो भी ड्राइनेस थोड़ा कम रहेगा। एट दी एंड में यही बोलना चाहोगी, जितना अर्ली हम डिटेक्ट करेंगे और टाइमली मैनेज करेंगे, उससे आपका विजन लॉस या कोई भी परमानेंट विजन डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक्स मैम, बहुत आपने इंटरेक्टिव सेशंस था और बहुत यूजफुल नॉलेज आपने दिया मुझे। वो जो पलक झपकाने वाली चीज है, वो ड्राई आईज वाली, वो मैं मेरे पेशेंट को जरूर सबको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत मोबाइल पे या पीसी पे भी वर्क फ्रॉम होम वाला भी है चीजें, एंड जो भी यूजर्स है आजकल वो पूरा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो जो आंखों का ड्राइनेस है वो भी बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। तो आई थिंक इसी के साथ मैं चाहूंगा मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ये वीडियो को खत्म करने से पहले मैं मेरे सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मैम प्रैक्टिस करते हैं अंधेरी में, डीएन नगर में, मुंबई, ऑर्थो एंड आई क्लिनिक। आपको डिस्क्रिप्शन में उनके डिटेल्स मिल जाएंगे, अगर आप मैम से कंसल्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर एंड डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हो, एंड ऐसे ही हम लोग इंटरेक्टिव और सेशंस जल्द ही मैम के साथ और भी करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में, ये सेशन के बारे में कुछ सवाल रहे, कुछ डाउट्स रहे मन में, तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। और वो लास्ट वाला एक्सटर्नल स्टाई वाला जो था उसका हिंदी वाला नाम भी मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, थैंक्स मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते हैं।